बात करने वाले हैं MDF बोर्ड्स के बारे में कि ये बोर्ड्स कैसे बनते हैं, इन्हें कहां कहां पर यूज किया जा सकता है, इस बोर्ड्स के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में इसके प्राइस रेंज के बारे में। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। MDF का फुल फॉर्म होता है मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। ये प्लाईवुड की ही तरह एक इंजीनियर्ड वुड है। इसे बनाने के लिए हार्डवुड और सॉफ्टवुड के फाइन पाउडर को ग्लू और केमिकल्स के साथ मिलाया जाता है। फिर उसे हाई टेम्परेचर में मशीन में प्रेशर देकर कंप्रेस किया जाता है और इस तरीके से बोर्ड्स बनाए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि MDF को कहां कहां पर यूज किया जा सकता है। MDF का यूज आप हाई एंड फर्नीचर्स, शेल्व्स, कैबिनेट्स, टीवी यूनिट, पूजा यूनिट, वॉल पैनल्स, पार्टीशन और पेंटिंग बोर्ड्स बनाने के लिए भी कर सकते हैं। फर्नीचर्स और डेकोरेटिव पर्पस दोनों के लिए ही MDF का यूज होता है, इसीलिए आपको ये मार्केट में बहुत सारी थिकनेसेस में मिल जाएगा। MDF बोर्ड में साइजेस में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप अपने रिक्वायरमेंट्स और एप्लीकेशन के हिसाब से इसे ले सकते हैं। एक और बात जो कि मटेरियल को खरीदने से पहले हमारे दिमाग में ये आती है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होगी, कितने साल तक ये मटेरियल टिक जाएगा। तो ड्राई एनवायरनमेंट में एक अच्छे क्वालिटी के MDF बोर्ड की लाइफ 10 साल तक की होती है, जबकि लैमिनेटेड MDF की लाइफ 15 से 20 साल या उससे ज़्यादा की हो सकती है। अब हम जानते हैं MDF के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे अच्छी बात MDF में ये है कि ये आपको बहुत ही कम दामों में मिल जाता है। MDF का प्राइस प्लाईवुड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। MDF हमें प्लाईवुड से लगभग आधे कीमत में मिल जाता है। यदि आपका बजट कम है तो आप बहुत से प्लेसेस पर प्लाईवुड की जगह इसे रिप्लेस करके कम कॉस्ट में फर्नीचर्स बना सकते हैं। डेकोरेशन पर्पस के लिए भी MDF सबसे बेस्ट मटेरियल है, बट मेक श्योर कि आप जहां कहीं भी इसे यूज कर रहे हो वहां मॉइस्चर ना हो। MDF बोर्ड की कटिंग नेचुरल वुड के कंपैरिजन में बहुत ही रिफाइन होती है। इजी कटिंग होने के ही वजह से आप बहुत ही कम समय में इससे फर्नीचर बनवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं MDF के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। MDF का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है फ्रेंड्स कि ये मटेरियल वाटर रेजिस्टेंट और वाटर प्रूफ नहीं होता है। ये एक स्पॉन्ज की ही तरह पानी को अपने अंदर बहुत ही इजीली सोक कर लेता है। लंबे समय तक अगर यही प्रॉब्लम चलती रही तो इससे बोर्ड खराब होने लगता है। इसीलिए ही इस मटेरियल को किचन, बाथरूम्स और बालकनीज जैसे प्लेसेस पर यूज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स आप इससे बने फर्नीचर्स बेडरूम, लिविंग रूम, पूजा रूम जैसे प्लेसेस के लिए बनवाएं और इस पर लैमिनेट जरूर लगवाएं। पर यदि आप अपने घर के लिए कोई 100% वाटरप्रूफ मटेरियल चाहते हैं तो आप WPC के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इस पर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है। वीडियो के एंड में आप सबसे मैं वो वीडियो की लिंक शेयर करूंगी, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज MDF बोर्ड का ये है कि ये बोर्ड फाइन वुड पाउडर से मिलकर बना होता है, इसीलिए इससे फर्नीचर बनाते समय बहुत डस्ट पार्टिकल्स निकलती है जो कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। इसीलिए कोशिश करें कि घर से बाहर फर्नीचर्स बनाएं और पूरा बनने के बाद फिर ही उसे घर पर लाएं। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं MDF के प्राइस रेंज के बारे में। MDF आपको 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से लेकर
₹100 पर स्क्वायर फीट तक मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको प्राइस रेंज इसीलिए बताई है क्योंकि MDF बोर्ड का प्राइस कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि मटेरियल लेने से पहले आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी बोर्ड का प्राइस यदि पता करना चाहते हैं तो अपने पास के किसी इंटीरियर शॉप से पता करें, ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से इसकी जानकारी मिल पाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इंटीरियर वीडियो के साथ।